हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले ईपीके ने मौला जट के प्रोड्यूसर सरवर भट्टी साहब से बिलाल लाशारी की नई फिल्म, जिसे ओरिजिनल मौला जट से इंस्पायर्ड कहा जा रहा है, के मुतालिक बात की थी, जिसके बारे में उनका कहना था कि उन्होंने बिलाल लाशारी की नई फिल्म पर कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। अल्लाह के फजल से इनका हर आर्गुमेंट रिजेक्ट हुआ और मेरा स्टे कायम रहा। स्टे ऑर्डर के बारे में ओरिजिनल मौला जट और बिलाल लाशारी की नई फिल्म के राइटर नासिर अदीब का कहना था कि इस फिल्म पर स्टे ऑर्डर खत्म हो चुका है और बिलाल लाशारी की नई फिल्म की शूटिंग जारी है। वो केस सर अदालत में अभी तक मौजूद है, उसमें जो स्टे था कि ये फिल्म नहीं बन सकती, वो टूट गया है और फिल्म बन रही है, बल्कि चंद दिन का काम रह गया, वो खत्म हो जाएगी। इसी सिलसिले में बिलाल लाशारी की फिल्म की प्रोड्यूसर अमारा हिकमत भी फिल्म के डिफेंस में आ गई। हिबन पाकिस्तान को दी गई स्टेटमेंट में उनका कहना था कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी लीगली इस फिल्म को रिलीज करने का राइट रखती है और इस पर किसी भी किस्म का स्टे ऑर्डर नहीं है। इस मामले पर बात करने के लिए हमने कॉन्टेक्ट किया है सरवर भट्टी साहब के लॉयर एसएन मसूद साहब से। एसएन साहब, आप ये बताइए, क्या ये बात दुरुस्त है कि इस फिल्म से स्टे ऑर्डर उठ चुका है? नहीं जी, हमारा इनफैक्ट जो स्टे था ना, वो दो चीज़ों के ऊपर था। जो हमने इनिशियली भी लिया था कि जी ये जो है फिल्म ना बना सकते हैं, कि टाइटल भी यूज़ नहीं कर सकते, इसके कैरेक्टर भी यूज़ नहीं कर सकते, इसके डायलॉग्स भी यूज़ नहीं कर सकते और किसी भी चीज़ को ये कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज अंडर द लॉ जो प्रोड्यूसर है, वंस सिनेमेटोग्राफिक वर्क इज कम्प्लीटेड, द प्रोड्यूसर बिकम द ओनर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, द फिल्म विच इज कॉल्ड द फिल्म। तो इस केस में सरवर भट्टी साहब एडमिटेडली ही इज द प्रोड्यूसर, उन्होंने सारे लोगों को पे किया, पे करके उनकी सर्विसेज ली और एक चीज बनाई जो कि उनकी प्रॉपर्टी है। एसएन साहब, अमारा हिकमत ने तो हिपन पाकिस्तान को दी गई स्टेटमेंट में ये कहा है कि उनकी कंपनी इस फिल्म को लीगली रिलीज करने का राइट रखती है। गलत है जी, ये बिल्कुल इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने, मैंने देखी नहीं है जी, बट जहाँ पे भी है ये इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। मैंने जो बताया आपको, इट्स वेरी क्लियर इन द ऑर्डर मैटर रिगार्डिंग द करेक्टर्स, डायलॉग एंड अदर थिंग, जो टाइटल की हद तक डिसाइड कर दिया कोर्ट ने कि टाइटल यूज नहीं कर सकते, उस हद तक स्टे कन्फर्म कर दिया और रिमेनिंग जो है वो कोर्ट का वर्ड है, प्रेमा फिश है, अभी वो पेंडिंग रहेगा और वो फाइनल डिसीजन होगा आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। और उसकी भी मेन जो वजह थी वो ये थी कि इन्होंने भी एक सर्टिफिकेट हासिल कर लिया था फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स, और वो भी उसका भी कैंसलेशन का प्रोसेस भी चल रहा है और उस रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स के सामने भी कुछ सवालात हैं कि एक टाइटल जब ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो दूसरा सर्टिफिकेट कैसे इशू किया जा सकता है, वो मैटर एफआईए में भी पेंडिंग है। थैंक यू एसएन साहब, हम भी यही चाहेंगे कि दोनों पार्टीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म हो। पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन अभी तक इस मामले में खामोश है। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस इशू को रिजॉल्व करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।